किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता लग गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस जाएंगे हम लोग। यार मैं हूँ ना यार। देख लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रोहित, अगर डैडी ने देख लिया ना हम रोज जॉगिंग के बहाने यहाँ मिलते हैं तो तुम्हें तो शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो तुम भागने की बात मत करो। पानी वाली दिया? सर आपने ही तो कहा था जब तक मांगे ना पानी मत देना, देना तो मिनरल वाटर। जाके पानी दो। ये कौन है? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कहना चाहती हो? खून! भाई भाई रोको उसे! तुम कुछ कहना चाहते हो? अरे अरे क्या हुआ जल्दी को? भाई 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 फोन करो सीआईडी को। मैं कहती हेलो हेलो सीआईडी। हटिए, चलो हटो हटो हटिए। आप लोग भी आइए बात प्लीज। आइए हटिए चलो। बॉस ये लड़की जिंदा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। विवेक स्ट्रेचर मंगवा। यस सर। कौन है ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इस लड़की को किसी ने मारने की कोशिश की है? सर हम लोग तो अंदर ही थे सर, जो भी हुआ भारी हुआ और ये बाहर से अंदर सर इसी हालत में आई थी। सर कोई नुकीला हथियार घुसा है सर में। हाँ फ्रेडी, और ये हथियार बहुत अंदर तक घुसा हुआ है सर। इसे बाहर नहीं निकाल सकते क्या? नहीं नहीं यहाँ पर नहीं निकाल सकते। देखो काफी खून बह गया है, इस हथियार को ऑपरेशन के बाद ही निकाल सकते हैं। इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलो जल्दी करो। सर संभल के आओ, संभल के। ले जाओ, चलो लेके जाओ सर। अरे चलो सचिन मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो आप लोग प्लीज आगे आइए प्लीज। अच्छा ये बताइए कि ये लड़की ये आप लोगों के सामने आई थी ना? यस सर। तो आप लोगों को पता कैसे नहीं कुछ? अरे कम से कम ये तो बताइए कोई था उस लड़की के साथ? नहीं सर, आई तो अकेली ही थी पर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहती है। सर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला करने वाले के बारे में कुछ बताना चाहती है। इसका मतलब हमला कहीं आसपास ही हुआ है। और अगर हमला यहीं कहीं हुआ है तो जरूर किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। अच्छी बात है अगर किसी ने देखा है तो। एक काम करते हैं, सड़क पे यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। एक काम करते हैं, बाजू वाली दुकान खुली इससे पूछते हैं। भाई साहब जरा यहाँ आइए। ठीक है ये अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसको मारने की कोशिश की किसी ने? लड़की पे हमला? नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तो अभी अभी आया हूँ, अभी अभी दुकान खुली है। आप बाजू वाले से पूछिए, वो जल्दी आता है, शायद उसने देखा हो। ठीक है थैंक यू। सुनिए बोलिए क्या चाहिए? एक छोटी सी जानकारी चाहिए। पूछिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आसपास आपने कुछ लोगों को एक लड़की पे हमला करते हुए देखा क्या? उसकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने? नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। देखिए उस लड़की पे हमला यहीं कहीं हुआ। यहीं पर हुआ है तो मैंने कैसे नहीं देखा? वही तो हम पूछ रहे हैं, देखा कैसे नहीं? शायद सुबह आने से पहले हुआ हो क्योंकि जब मैं आया था तब कोई शोर शराबा भी नहीं था। ठीक है थैंक्स। बड़ी अजीब बात है, लड़की पे हमला हुआ और किसी ने देखा तक नहीं। पहले भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही वार किया गया था सिर पर। उसमें भी मरने वाले के सिर पे नोकीली चीज से पीछे ही वार किया गया था। एक काम करता हूँ मैं इस केस के बारे में एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सब पांचों केसेस की फाइल्स आ गई जैसे आपने मंगाई थी। तो फिर देखो देखो क्या हर एक केस में उसी तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ है जैसे उस लड़की के सिर में लगा है। देखो हाँ सर, हत्या तो एकदम वैसा ही है जैसे बाकी के केस रिपोर्ट में दिखाया गया है। और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि इन पांचों के खून एक ही तरीके से किए गए हैं। और एक बात नोटिस की तुमने इन पांचों केसेस में ये पांचों के पांचों खून 3 साल में हुए, मगर हर खून के बीच में 6 महीने का समय बीता है। और सर रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पांचों की लाशें मठ के किसी दलदल में पड़ी मिली, क्योंकि खूनी जानता है कि दलदल की जैसे कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती अगर लाश को ठिकाने लगाना है तो। हाँ सर, मगर ये खूनी इस वक्त हो कहाँ सकता है? क्या पता विवेक, लेकिन है तो बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है। और जैसे उसे पता चला कि सीआईडी उसके पीछे पड़ी है, गायब हो गया। सर लगता है वही खूनी फिर से आ गया शहर में। वही पता लगाना है दया कि क्या ये वही खूनी है या फिर कोई और है जो इसी तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहा है खून करने में। ये जितने लोग मरे हैं, ये हरीश, सुरेश, रमन, दानिश और मदन, उन पांचों की उम्र 25 और 30 साल के बीच में ही थी सर। तुम कहना चाहते हो कि खूनी सिर्फ जवान लोगों को अपना निशाना बना रहा है? हाँ सर, ये बात और एक बात सर। वो क्या? सर सीरियल किलर ने इन पांचों का खून किया, पांचों के पांच लड़के थे, लेकिन इस बार उसने एक लड़की को अपना शिकार क्यों बनाया? ये बात तो है, एक बार ये लड़की ठीक हो जाए ना तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब कैसी हालत है इस लड़की की डॉक्टर साहब? अभी तक तो वैसी ही है विजय। डॉक्टर साहब अभी तक ये हथियार निकाला ना इसके सिर में से? नहीं, ऐसे तो लड़की मर जाएगी। नहीं दया, बल्कि जब तक ये हथियार इस लड़की के सर में है तब तक ये लड़की जिंदा तो है। अगर ये हथियार बाहर निकाल दिया तो बहुत कुछ भी हो सकता है। मतलब मौत? हाँ। पर अजीब चक्कर है, हथियार अंदर है तो भी प्रॉब्लम है और निकाला तो मौत। देखो मैं बताता हूँ, ये हथियार इस लड़की की खोपड़ी में घुस गया और अगर इस हथियार का ये नुकीला वाला हिस्सा अगर इस लड़की की खोपड़ी में दिमाग तक घुस जाता तो बहुत इस लड़की का बचना मुश्किल। और डॉक्टर साहब कोई और रास्ता तो होगा इस लड़की को बचाने का? नहीं दे, कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर हमने इस हथियार को जरा सा भी छेड़ा तो बस हो सकता है इस लड़की के दिमाग की नसों को नुकसान पहुंच जाए, फिर हो सकता है इस लड़की को पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है इसको दिखाई देना बंद हो जाए, इसका बोलना बंद हो जाए, कुछ भी। इसका जिंदा बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए डॉक्टर साहब। किसी तरीके से अगर इसे होश आ जाए और ये कुछ बता दे, क्योंकि खूनी को तो इसने देखा ही होगा ना। हाँ वो तो ठीक है अभिजीत, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस लड़की को कुछ याद भी रहता है कि नहीं। डॉक्टर साहब ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ वो सर, लेकिन कोई भी रिस्क लेने से पहले हमें इसके घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज डॉक्टर साहब पहले पता तो चले कि इसके घर वाले हैं कौन, तब परमिशन लेंगे ना। अभिजीत चिंता मत करो, मैंने अखबारों में और न्यूज चैनल्स में खबर दे दी, शायद कोई आ जाए। ये क्या करते हैं डॉक्टर साहब आपने? क्यों? अरे इश्तिहार पढ़ के खूनी यहाँ दोबारा आ गया और इस पे हमला किया तो क्या करेंगे? और सर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस खूनी ने इस पे फिर से हमला किया तो ये बेचारी तो चिल्ला भी नहीं पाएगी। इसके सिक्योरिटी का भी इंतजाम हो जाएगा। क्या कर दिया डॉक्टर साहब, अब इसके पहले कि खूनी इस तक पहुंचे हमें खूनी तक पहुंचना होगा किसी भी तरीके से। चिंता मत करो अभिजीत, एक उपाय है मेरे पास। अभिजीत अगर हमारी याददाश्त चली भी जाती है तो भी कुछ चीजों की छाप हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाती है, जैसे कि आखिरी वक्त में उसने क्या किया, वो किन किन लोगों से मिला, उसके साथ क्या हुआ। वो कोई भी चीज़ या वो कोई भी घटना अगर दोबारा से उसके सामने लाएं तो उसके दिमाग में एक हलचल मच जाती। इसके चेहरे के हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं कि इसने आखिरी बार क्या देखा था। हाँ अभिजीत, इस प्रोजेक्टर पर हम इसे कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ घटनाएँ दिखाएंगे, फिर देखेंगे इस पर क्या रिएक्शन। ठीक है डॉक्टर, साहब इसे कुछ क्रिमिनल्स की फोटो दिखाते हैं, खूनी की, शायद उसे देख के कुछ हलचल हो। हाँ। चेहरे पे हलचल है, एक्सप्रेशन चेंज हुआ इसके। वो पिछली वाली फोटो फिर से लगाइए। हाँ। इस फोटो को देख के तो कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। सर अब अगला इमेज फिर से दिखाइए। कर रही है, ये चक्कर क्या है? मैं समझ गया विजय। देखो, इस लड़की ने उस बिल्डिंग पर रिएक्ट किया जहां पर सूरज की रोशनी सीधी बिल्डिंग पे पड़ती है। इसका मतलब साफ है, इस पर हमला ऐसी बिल्डिंग के आसपास किया गया है जहां पर ये सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है। मगर सर ये बिल्डिंग तो यहाँ की नहीं लग रही है। कोई बात नहीं फ्रेडी, इससे मिलती जुलती कोई दूसरी बिल्डिंग होगी। इस लड़की पे हमला सुबह हुआ है कॉफी शॉप में, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उस वक्त आसपास ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वहीं से कुछ पता चलेगा। सर लगता है इन बिल्डिंग में से ही कोई बिल्डिंग होगी सर। हाँ लगता तो ऐसे ही है। चलो चेक करते हैं बॉस, उससे पहले के टाइम निकल जाए। चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग ये देखो, सर डायरेक्ट इस बिल्डिंग पर पड़ रहा है। सर ये तो बिल्कुल वैसी बिल्डिंग है जैसे प्रोजेक्टर से देखी थी हमने। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेडी, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी ही बिल्डिंग है। इसका मतलब इस बिल्डिंग के आसपास ही कुछ ना कुछ हुआ है उस लड़की को। सर अगर इसके आसपास ही कुछ हुआ है तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, चलो चेक करते हैं। एक मिनट सचिन, ये कुछ खून जैसा है। यस बॉस, ये तो खून ही है। चल के देखते हैं सर। सचिन ये देखो, खून के निशान इस तरफ। सर उनके साथ देखते हैं ये खून के निशान कहाँ तक जाते हैं। अरे सामने तो गाड़ी खड़ी है। हाँ यार, ये खून के निशान गाड़ी तक जा रहे हैं। इसका मतलब गाड़ी में जरूर कुछ ना कुछ है। देखो कहाँ कहाँ पर है निशान। गाड़ी के आगे तो खून नहीं है, खून यहीं तक है सर। मतलब ये निशान डिक्की में से निकल रहे हैं। इसका मतलब इस डिक्की के में कुछ। अरे यार डिक्की का लॉक तो खुला हुआ है। ओह माय गॉड, लाश। जरा निकालो यार। खून निकल कहाँ से रहा है इसके? ये देखो बॉस, यहाँ सर पर है ये चोट का निशान, और ये भी उसी हथियार से मारा गया है जिस हथियार से वो लड़की मारी गई है। नोकीला हथियार, भाव काफी गहरा है बॉस। काजल देखो, इसके पास से कुछ आईडी वाईडी मिलता है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला सर। वाह, कार की पिछली सीट पे खून लगा है। और आगे की सीट पे भी बहुत सारा खून है। एक मिनट जरा सैंपल ले लेते हैं। गाड़ी में तो चारों तरफ खून ही खून है। इसका मतलब यह है कि इस लड़की पे हमला इस गाड़ी के अंदर ही हुआ है। देखो विवेक, कुछ और मिलता है क्या? एक पर्स भी मिला है। क्या? एक लाइसेंस मिला है, निशा के नाम पे है। तो कहीं वही लड़की तो नहीं जो हॉस्पिटल में है? इसमें पेट्रोल पंप का रिसीट है। कल शाम को इस गाड़ी में पेट्रोल भराया गया था क्रेडिट कार्ड से। एक बात तो साफ हो गई, जिस लड़की के सिर में नुकीला हथियार घुसा है, ये कार उसी की है और उसी का नाम निशा। सचिन, मैं इस लाश को लैब लेके जाता हूँ। हाँ सर। फ्रेडी काजल, तुम इस सोमगम पेट्रोल पंप पे जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? हुँ? अरे सुनो, ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या पेट्रोल भरवाने? आप लोग सर? हम लोग सीआईडी सर। अच्छा। हाँ सर, आई थी, कल शाम को आई थी। तुम जानते हो इसे? हाँ सर जानते हैं, ये तो हमारी निशा मैम है, हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। और कल तो हमारे मंगत साहब से झगड़ा भी हो गया था। ये मंगत कौन है? हमारे मैनेजर साहब। मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ? किस बात पे ये तो पता नहीं साहब किस बात पे, लेकिन हाँ बात बहुत बढ़ गई थी साहब। अच्छा, बुलाओ जरा तुम्हारे इस मंगत को। सर वो तो आज आए नहीं। क्यों, कहाँ गए? सर झगड़े के बाद जब निशा मैडम यहाँ से गई तो वो भी पीछे पीछे चले गए और उसके बाद अभी तक नहीं आए वो। सर मुझे तो लगता है ये मंगत ही है जिसने निशा पे हमला किया। नहीं नहीं मैम, ऐसा क्यों करेंगे वो? मंगत साहब और निशा मैम तो आपस में दोस्त हैं। निशा और मंगत दोस्त है? हाँ सर, उस दिन जब मैम यहाँ से गई तो पीछे पीछे सर भी गए, तो हमने सोचा वो मनाने गए होंगे, लेकिन जाते जाते निशा मैम बोल रही थी कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमें इस मंगत से मिलना होगा। इस मंगत का एड्रेस दो। आराम नगर में रहते हैं सर, 2/26 में। जी कहिए। मंगत कहाँ है? आप ऐसे घर में कैसे घुसते? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी मेरे घर में? जी हाँ, सीआईडी आपके घर में। ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं नीरू, मंगत की पत्नी। आपके पति मंगत ने निशा का खून करने की कोशिश की है। What? खून? जी हाँ। कौन? निशा? मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मगर उन्होंने ऐसा किया है। वो लड़की निशा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही। ये बताइए कि आपका पति मंगत है कहाँ? इसका जी मुझे नहीं मालूम, वो पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए मतलब? अचानक से गायब हो गए। कब से गायब है? परसों रात से। परसों रात से? वो परसों रात से गायब है और आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई आपने? देखिए परसों रात को जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा वो घर पर नहीं। मैंने उन्हें फोन किया पर उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए होंगे, वापस आ जाएंगे। विवेक, रेडी, घर की अच्छी तरह से तलाशी। देखो ये मंगत कहाँ छिपा बैठा है। वैसे कितने बजे आई थी आप ऑफिस से? जी करीबन रात को 12 बजे। अच्छा ये बताइए कि आप काम क्या करती? जी TPS कॉल सेंटर में काम करती हूँ। सर यहाँ पे आइए। क्यों? ये देखो खून। खून? एक मिनट हटा के देखना और खून है क्या? Oh my God, इतना सारा खून? मैडम आप ये बताइए कि ये खून आया कहाँ से इतना सारा? पता नहीं ये खून कहाँ से आया। कमाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं और आप हमसे पूछ रही है। सच में मुझे नहीं पता ये खून कहाँ से आया। मैं जब घर में आई तो यहाँ पर खून नहीं था। सर मुझे तो लगता है कि मंगत ने निशा पे यहीं पे हमला किया होगा। हाँ काजल, लगता तो ऐसा ही है। जल्दबाजी में उसे खून साफ करने का मौका नहीं मिला होगा, इसलिए उसने इसे कारपेट से ढक दिया। विवेक ये खून का सैंपल उठा ले। और नीरू जी ये बताइए कि आपके पास अपने पति मंगत की फोटो तो होगी ना? है। अब उसकी फोटो लेके आइए, हम खुद पता लगा लेंगे कि ये मंगत कहाँ छिपा बैठा है। जी लाती हूँ। इस मंगत की फोटो को हर पुलिस स्टेशन, हर अखबार और हर न्यूज चैनल में दे दें। कोई ना कोई तो हमें इसके बारे में जरूर बताएगा। पर मैडम आपको अगर कुछ पता चले हमें जरूर बताइएगा। सचिन, इस आदमी के सर में भी ठीक वैसा ही घाव है जैसा हमें पुरानी लाशों में मिला था। 2 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि निशा के सिर में जो हथियार घुसा हुआ है उसी हथियार से बाकी के भी खून किए गए और इस आदमी को भी उसी हथियार से मारा गया। हाँ सचिन, खूनी ने पहले इसे मारा और उसके बाद उसने निशा को मारने की कोशिश की। अच्छा, जो कार में से खून मिला था उससे कुछ पता चला क्या? कार में से जो हमें खून मिला है वो एक का नहीं 2 लोगों का है। 2 लोगों का खून? जी 2 लोगों का। अच्छा, उसमें निशा का भी खून है या नहीं? निशा का तो खून है ही और साथ में इस आदमी का भी खून है जो यहाँ मरा पड़ा है। मतलब इस आदमी का भी खून मिला है। उस खून के बारे में कुछ पता चला जो हमें मंगत के घर से मिला था? वो खून भी इन दोनों लोगों का है, निशा का और इस आदमी का। मतलब साफ है, मंगत के घर में ये आदमी और निशा दोनों मौजूद थे। सर एक बात समझ में नहीं आई कि मंगत ने इस आदमी को अपने ही घर में क्यों मारा? कहीं और भी तो मार सकता था। और तो और उसने निशा को भी अपने ही घर में मारने की कोशिश की। सर निशा के ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एड्रेस लिखा था वहाँ पे मैं गया था। निशा के साथ एक लड़की रहती है, उसकी रूममेट दिव्या, वही बताएगी इस आदमी के बारे में। वो लड़की है कहाँ पे? वो सिटी लाइफ हॉस्पिटल में आने वाली है निशा से मिलने। ओह, इस लड़की से पूछना पड़ेगा ये आदमी है कौन। क्या इतने दिनों के बाद एक काम करने के लिए दिया और तुमने अभी तक किया ही नहीं? तुम तो दिन रात ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हो ना। फिर देख एक बात सुन ले, मुझे मालूम है अभी भी तुम चोरी करते हो और पॉकेट भी मारते हो। नहीं नहीं तू मेरी बात सुन, मुझे सब कुछ मालूम है और कैसे भी करके इस आदमी के बारे में मुझे खबर लाके, कहाँ छुपा है, किसने छुपाया है, सब कुछ। फिर से अपनी चोर कंपनी से पूछ और जल्दी से जल्दी बता। तेरा रोना सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया, समझा? सर जिस चोर से उम्मीद थी उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसका एक ही मतलब है विवेक, ये मंगत किसी की मदद नहीं ले रहा है छुपने के लिए, छुपने का इंतजाम खुद कर रहा है। किसी खबरी तक को मालूम नहीं इसके बारे में। मैंने हर पुलिस स्टेशन में मंगत की फोटो दे रखी है सर, उन्होंने भी बोल दिया। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स या जो भी कोई जगह हो जहाँ पे वो छुप सकता है, मैंने सब जगह खबर पहुँचा दी। हाँ लेकिन विवेक 24 घंटे हो गए, 24 घंटे और अब तक खबर कैसे नहीं मिली? फिर सब लोग बार बार फोन कर रहे होंगे। सर 5 मरने वालों के रिश्तेदार और घर वाले हैं। आइए आइए। सर क्या खूनी पकड़ा गया? जी नहीं, खूनी पकड़ा नहीं गया, हमें आपकी मदद चाहिए उसे पकड़ने के लिए। मेरा तो इकलौता बेटा था सर, मेरे घर का चिराग ही बुझा दिया उसने, पर आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। ठीक है, इसे देखिए। क्या आप लोगों ने इसे कभी देखा है? पहचानते हो आप इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते। कौन है ये सर? हमें लगता है इसी ने खून किया है आपके रिश्तेदारों का। हमने तो इसे कभी नहीं देखा है सर। पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? आप लोगों का कोई रिश्ता संबंध है? हम लोग आज पहली बार मिले हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर हाँ अगर जरूरत पड़े तो हम आपको बुला लेंगे। जाइए। ये अजीब बात है, ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, ना कोई रिश्ता संबंध है, ना इन लोगों ने मंगत को भी देखा है, फिर भी इनके रिश्तेदारों का ही खून क्यों हुआ? और हो सकता है खूनी ने खून करने के बाद अपना नाम और हुलिया वगैरह बदल दिया हो सकता है। एक बात पर गौर किया तुम लोगों ने इस केस में? वो क्या सर? और देखो जो 5 लाशें हमें मर के दलदल में मिली है, वो 5 के 5 लोग शहर में अलग अलग जगहों पर रहते थे। दईसर, विरार, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव और ये 5 के 5 लोगों की लाश मिली हमें यहाँ पर मड़ के दलदल। और वो जो छठी लाश है जो हमें निशा के गाड़ी के डिक्की में से मिली। वो मिली शहर के बिल्कुल दूसरे कोने में, सायन। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब खूनी लाश को ले जा रहा था तो अचानक निशा को होश आ गया, वो चिल्लाने लगी और खूनी डर के मारे कार को वहीं छोड़कर भाग गया हो? नहीं काजल, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता कि जो लाश हमें निशा की गाड़ी में से मिली उसका खूनी कोई और ही है। ये खूनी एक तरफ और इन 5 लोगों का खून करने वाला दूसरी तरफ। वो कैसे सर? वो ऐसे विवेक कि अगर ये 5 खून करने वाले खूनी ने ये 6ठा खून भी किया होता तो वो जो लाश हमें निशा के गाड़ी में शहर के दूसरे कोने में मिली है, वो लाश वहां पर नहीं होती बल्कि वहां मर के दलदल में फेंक देता। मगर ऐसा नहीं हुआ। इस मंगत के बीवी से जाकर फिर से मिलना होगा। निशा की गाड़ी की डिक्की में जो लाश मिली थी उसकी फोटो दिखाते हैं। हाँ देखते क्या रिस्पॉन्स देती है। चेहरे पे खुशी आ गई है, लगता है जानती है इसे। शायद इसका कोई परिवार वाला ही होगा या और कोई करीबी। सर ये दिव्या है, निशा के साथ रहती थी। Oh my God, निशा। एक मिनट, प्लीज डोंट टच। इसकी हालत किसने की है? जिसने भी की है बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आप ये फोटो देखिए, इस आदमी को जानती हैं? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। याद करने की कोशिश करो दिव्या, शायद तुमने इस आदमी को निशा के साथ देखा होगा या घर के आसपास कहीं घूमते हुए देखा हो। नहीं सर, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। इस आदमी की लाश हमें निशा की कार की डिक्की में मिली है। कार की डिक्की में लाश? जी। यह आदमी कहीं निशा का बॉयफ्रेंड तो नहीं था ना? बॉयफ्रेंड हो सकता है सर, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। क्यों? आप तो इसके साथ रहती हैं, आपको तो काफी कुछ मालूम होना चाहिए। नहीं सर, बॉयफ्रेंड के बारे में निशा ने कभी कोई बात नहीं की, ना मुझसे ना मेरे सामने। इसके बारे में कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। जी सर। थैंक यू। ये लड़की कुछ छुपा रही है। इसका तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये क्या है? घर पे भी ताला लगा हुआ। ये नीरू है कहाँ? मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। मंगत के गायब होने के पीछे कहीं इस नीरू का हाथ तो नहीं है? पहले अपने पति को ले जाके कहीं पे छुपा दिया और फिर खुद उसके पास पहुंच गया। हो सकता है विवेक, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अरे भाई साहब इधर आइए। इधर आप नीरू जी के पड़ोसी हैं ना? हाँ जी। ये बताइए कि ये नीरू गई कहाँ है? ताला लगाया करते। ये तो उसी वक्त यहाँ से निकल गई थी जब आप लोग यहाँ आए थे। क्या उसी वक्त से गायब है? हाँ उसी वक्त निकल गई थी और तब से अब तक वापस नहीं आई। अभी कैसे पता चलेगा कि ये दोनों गए कहाँ? अच्छा ये मंगत सोमगम पेट्रोल पंप का मैनेजर है ना? हाँ, वहीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्या हुआ है यहाँ पे? इतने सारे लोग काम धंधा छोड़ के कैबिन के बाहर क्यों खड़े हैं भीड़ लगा के? तो मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। क्या भीड़ लगा रखी है? चलो हटो, हटिए हटिए। क्या हुआ है? तो किसी ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चोरी कर ली सर। क्या? इतने सारे लोगों के सामने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चोरी ली? वो भी दिन दहाड़े? चारों तरफ लोग ही लोग है। ये क्या है? कमरे का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। किसने किया है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? आप लोग थे ना यहाँ पर? मैम हम लोग तो उस तरफ काम कर रहे थे और कमरे में कोई भी नहीं था। एकाएक मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क गायब है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। किसी को देखा यहाँ से भागते हुए? नहीं मैम, भागते तो किसी को नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मैं तो पहले ही से डरा हुआ। हार्ड डिस्क चोरी होगी, उसमें सारे रिकॉर्ड थे। अब मालिक अलग से तंग करेगा। एम्प्लॉइज का सारा रिकॉर्ड भी था उसमें? हाँ सर। अच्छा मंगत के बारे में तुम और क्या जानते हो? मैम मुझे और कुछ भी नहीं मालूम, जो भी मालूम था सब बता चुका हूँ। ये मंगत कितने दिनों से काम कर रहा था यहाँ पे? यही कोई 2 महीने। मंगत के परिवार वाले या उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ जानते हो? मैम उनके रिश्तेदारों से हमें क्या लेना देना। इससे पहले कहाँ पे काम करता था वो? ये भी नहीं मालूम। तब मुझे तो लगता है कि हार्ड डिस्क नीरू ने ही चुराया है। चुरा के जाएगी कहाँ? CID उसे पकड़ ही लेगी। इसकी बीवी गायब है। पेट्रोल पंप पे जहाँ पे नौकरी करता था वहाँ से इसके रिकॉर्ड्स गायब हैं। अब इसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? से फोटो जहाँ खींची गई है वहीं से कोई जानकारी मिल सकती है। हाँ मगर ये तस्वीर कहाँ खींची गई है ये पता चलेगा कैसे? हाँ विवेक पता चल सकता है, पता चल सकता है। इधर आओ। यस सर। एक फोटो में पीछे की तरफ कुछ दिख रहा है, स्कैन करके देखो। यस सर। देखो विवेक, इस आदमी के पीछे देखो, है ना, एक लाइट रखी गई है, वैसी लाइट जैसे एक फोटो स्टूडियो में रखी होती है फोटो खींचते वक्त। हाँ सर। लगता है ये फोटो किसी फोटो स्टूडियो में खींचा गया है। लगता तो वही है। और जरा जूम करो इस पर। ये देखो, इस तरफ देखो फोटो में खिड़की जैसी है। सर खिड़की के बाहर कुछ दिख रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा। हाँ साफ दिख नहीं रहा है। इसे शार्प करो जरा, शार्प करो। यस सर। हाँ RASM ये क्या है? आई सर, आई। रश्मि थिएटर। सी रश्मि थिएटर तो सिकंदरपुर एरिया में है। सिकंदरपुर एरिया। रास्ते के दोनों तरफ ध्यान रखो, देखो यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ तो रश्मि थिएटर दिख रहा है सर। इसका मतलब इसके अपोजिट फोटो स्टूडियो होना चाहिए। कहीं वो तो नहीं है सर? अरे वाह फ्रेडी, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अरे सर मेरी आंखें कब खराब थी। चलो देखते हैं। यही वो स्टूडियो है। हाँ सर ये वही स्टूडियो है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हमारे किसी कस्टमर ने भेजा हुआ आपको। जी नहीं। इसे पहचानते हो आप? मेरे ख्याल से ये फोटो यहीं पे आप ही के स्टूडियो में खींची गई है। हाँ सर ये फोटो मैंने खींची थी ऊपर वाले माले पर। ये मेरे चाचा का लड़का रोहित है। क्या कहा इसका? रोहित? ये रोहित कैसे हो सकता है? ये तो मंगत है। अरे सर भाई मेरा है सर, मैं नहीं पहचानूंगा सर। सर हुआ क्या है ये तो बताइए। हम लोग CID से हैं। 2-2 खून किए हैं आपके इस भाई ने, समझे? 2-2 खून? हाँ 2-2 खून चाहिए हमें। वो सर ये तो आपको नहीं मिल पाएगा सर। बकवास बंद करो और बताओ कहाँ पर है ये? सर ये तो 2 साल पहले मर चुका है। ये 2 साल पहले मर चुका है? हाँ सर। तो फिर नीरू ने इसे मंगत बताकर हमें ये फोटो क्यों दिया? नीरू भाभी ने आपको फोटो दिया ये? क्या नीरू आपकी भाभी है? हाँ सर वो मेरी भाभी है। और मंगत, मंगत ये है सर। ये मंगत है? हाँ सर। सर ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें निशा की गाड़ी के डिक्की में से मिली थी। वही तो। नीरू ने हमसे झूठ क्यों बोला? नीरू ने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं नीरू का कोई संबंध तो नहीं दोनों खून में? एक बात बताओ, इन दोनों पति पत्नी के बीच में, मेरा मतलब है मंगत और नीरू के बीच में, संबंध कैसे थे? सर रोज तीसरे दिन लड़ाइयां होती थी आपस में। अब भी कुछ दिन पहले गया था, किसी लड़की के चक्कर में तलाक बुला की बातें हो रही थी। किसी लड़की के चक्कर में? सर कहीं वो लड़की निशा ही तो नहीं है? वो पेट्रोल पंप वाला भी ऐसा ही कुछ बता रहा था ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद मंगत जब निशा को मनाने के लिए अपने घर ले गया, वहां पर नीरू ने उन दोनों को देख लिया और गुस्से में आकर उसने उन दोनों का खून कर दिया। फिर इन दोनों की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने गाड़ी में लाशें रखी और वो निकल पड़ी। बीच रास्ते में निशा को होश आ गया, वो चिल्लाने लगी। जैसे वो चिल्लाने लगी नीरू डर गई और गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गई। अब निशा जिंदा है ये नीरू को पता है और इसीलिए वो निशा का खून करने की कोशिश करेगी। एक काम करो, ये 5 लोग जो मरे हैं इनके रिश्तेदारों से जाकर मिलो और उन्हें नीरू और निशा के फोटोग्राफ दिखाओ और पूछो क्या उनमें से कोई भी इन दोनों को जानता है क्या। हुँ? अभिजीत जल्दी सिटी लाइफ हॉस्पिटल पहुंच जाओ, फ्रेडी भी वहीं पर आएगा। अरे क्या हुआ अभिजीत अचानक हॉस्पिटल में? यहाँ की खबर तो मैंने दी थी ना तुम्हें। डॉक्टर साहब जितने भी खून हो रहे हैं उन सबके पीछे नीरू का हाथ है, उसी ने इसके ऊपर हमला किया था और फिर से हमला करने की कोशिश करेगी वो। लेकिन यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, वो आ कैसे सकती है? कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब, होशियार तो रहना ही पड़ेगा। हेलो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस हॉस्पिटल में किसी ने बॉम्ब रखा है। What? आप कौन बोल रही हैं? सर उससे आपको क्या लेना देना है, पहले आप उस मासूम जिंदगी को बचाओ। हेलो आप बोल कौन रही हैं बताइए। हेलो हेलो क्या हुआ? क्या डॉक्टर साहब एक लड़की का फोन था, उसने बोला है कि इस हॉस्पिटल में उसने एक बॉम्ब रख दिया है। हाँ इसके पहले लोगों को पता चले और यहाँ पे पैनिक हो, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा तुम ये रखो और इसका ध्यान रखना। पूरा हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा। बम स्क्वाड को फोन करो। सर कहीं उनके आने से पहले बम फट गया तो? क्या मतलब भागना चाहते हो? नहीं। भागना है तो अभी निकल जाओ, निकलो यहाँ से। सर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है ढूंढो, अब तक मैं चेक करता हूँ ये नंबर कहाँ से का था। क्या कर रही हो? मेरे रास्ते से। हेलो हेलो सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल ये सिटी हॉस्पिटल का नंबर है? हाँ सर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। मतलब नीरू यहीं पे है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझसे मेरा सुहाग छीना है। क्या हुआ? सर वो बॉम्ब की बात नकली थी, नीरू यहीं पे है, इसकी जान को खतरा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस नीरू तुम्हारा खेल खत्म हो गया। इसने मेरे पति मंगत का खून किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं देखो जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। ये चाकू मुझे दो। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, जाओ यहाँ से। देखो अगर इसने कुछ किया तो इसकी सजा कानून देगा। ये चाकू दो मुझे। नहीं दूंगी कहा ना। चाकू दो। बताओ क्या वजह थी जो तुम निशा को मारना चाहती थी? इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया था, मैंने इसे बहुत बार समझाया कि उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन ये नहीं मानी। तो तुमने इसे मारने की कोशिश की मगर ये बच गई। मैंने इसे इसलिए मारने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने पति को धमकी दी थी कि उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना हो। और वो मेरे साथ रहना चाहते थे। फिर उस रात जब मैं ऑफिस से घर वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि निशा ने मेरे पति मंगत का खून कर दिया था और ये उनकी लाश कार में डालकर ले जा रही थी और इसके हाथ में वो नुकीला हथियार भी था। अपने पति को मरा हुआ देख के तुमसे रहा नहीं गया और फिर उसी नुकीले हथियार से तुमने निशा का खून करने की कोशिश की। हाँ। निशा पर हमला करने के बाद मैं डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब क्यों किया। फिर क्या किया तुमने? मैं दोनों को उसी कार में डालकर ले जा रही थी कहीं दूर फेंकने के लिए, लेकिन रास्ते में निशा उठ गई और मुझे लगा कि ये चिल्ला देगी और मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी और मैं भाग गई। तो मंगत का खून निशा ने इसलिए किया क्योंकि मंगत इसे छोड़ने वाला था, है ना? हाँ। सर आपने जिस कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए कहा था निशा और मरे हुए 5 लोगों के बीच, कनेक्शन मिला? हाँ सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। निशा को वो सब लोग जानते हैं सर। उनके परिवार वालों ने ये भी कहा है कि निशा का उन सब के साथ अफेयर चल रहा था और जैसे ही निशा ने उन सब के साथ संबंध तोड़ा उसके कुछ ही दिनों बाद उन सब का खून हो गया। तो निशा ही वो सीरियल किलर है जिसकी हमें तलाश थी। 6 खून किए इस निशा ने। मगर नीरू, तुम माना कि निशा ने तुम्हारे पति का खून किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। पुलिस की मदद ले सकती थी तुम, लेकिन तुमने नहीं ली। अब इस गुनाह की सजा भी मिलेगी तुम्हें, शायद जिंदगी भर जेल।